doesn't get better than this. Only a fool to let you go. You got into my head. Hello friends and welcome back to the channel. सो अपनी क्रोएशियन हॉलिडे को कंटिन्यू करते हुए दुब्रोवनिक और स्प्लिट के बाद हम आज आए हैं ज़ाडर। एंड इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ है जो ज़ाडर में एंड ज़ाडर के अराउंड आप कर सकते हैं। सो कम अलोंग। ज़ाडर था हमारी क्रोएशियन रोड ट्रिप का थर्ड एंड लास्ट डेस्टिनेशन एंड वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। इस सिटी में है इम्प्रेसिव कोस्टलाइन, लॉट्स ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर एंड एट द सेम टाइम सम फन मॉडर्न इंस्टॉलेशंस व्हिच आर एक्चुअली डिजाइन्ड बाय एन अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट फ्रॉम ज़ाडर। पहला इंस्टॉलेशन है ये राइट एट द वाटर फ्रंट। दिस लुक्स लाइक अ बिग डांस फ्लोर। इस जगह का नाम है ग्रीटिंग्स टू द सन। एंड यहाँ पे जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं दे गेट चार्ज्ड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द मैजिक हैपेंस इन द नाइट। एंड इसी के साथ लगा हुआ है ये नेक्स्ट आर्ट इंस्टॉलेशन जो कि बना है एक फ्यूजन टेक्निक से बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। So, मैं बैठा हुआ हूँ अभी एक लाइव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। रियली इसको बोलते हैं सी ऑर्गन एंड दिस इज जस्ट लाइक अ फ्लूट जिसमें से म्यूजिकल नोट्स क्रिएट होते हैं व्हेन द सी वेव्स पुश द एयर थ्रू दीज वॉल्स। कैन यू हियर इट? It's nice to sit here and admire the sea with this soothing background music. And this is the Roman Forum of Zadar. As you can see, it is quite popular and wo isliye because it is full of Roman ruins and also many archaeological historical landmarks. So come, let's check this area. Croatia mein, we were very surprised to see so much Roman influence on its cities. And Zadar ka Roman Forum takes it even a notch higher. Plus, ye hai Croatia ka sabse bada Roman Forum, built by no other than a descendant of Caesar, the famous Roman Emperor Augustus. You can imagine that during imperial times, ये फोरम कितना बजिंग रहता होगा विद पीपल। इट वॉज एक्चुअली द सेंटर ऑफ पब्लिक लाइफ। अगर आपको ज़ाडर के लेआउट का बर्ड्स आई व्यू देखना है तो क्लाइंबिंग द बेल टावर ऑफ दिस 12th और 13th सेंचुरी कैथीड्रल इज अ गुड आइडिया। So this is a very popular chain here and हम लोगों ने यहाँ पे उठाया है something that is very traditional fast food of Croatia which is called a burek. It is like a puffed pastry with potato filling inside just like a desi samosa. So this has potato and it also has cheese in it. It's a must try when you are in Croatia. ये बुरेक शायद आपको हमारी क्रोएशिया के और वीडियो से भी याद होगा। लिप स्मैकिंग बुरेक के बाद हमने रिज्यूम किया अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्टिंग विद दिस स्ट्रीट जिसे व्हाइट स्ट्रीट भी कहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये एंटायरली व्हाइट स्टोन से बनी हुई है। एंड इसी स्ट्रीट में है ये स्क्वायर द पीपल स्क्वायर जिसमें है इंटरेस्टिंग ओल्ड बिल्डिंग्स एंड सम नाइस ईटिंग ऑप्शंस। जैसा मैंने बताया ज़ाडर एक छोटी सी जगह है एंड इसके मोस्ट अट्रैक्शंस एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस आपको इसी वाइट स्ट्रीट के अराउंड ही मिल जाएंगी।
इवन दो ज़ाडर भी डुब्रोवनिक और स्प्लिट की तरह हैज अ रिच रोमन फील एंड हिस्ट्री टू इट, ज़ाडर स्टिल दोनों सिटीज से थोड़ा टोन डाउन है। बाय द वे, ज़ाडर को मिनी स्प्लिट भी कहा जाता है, बट इन माय ओपिनियन ये स्प्लिट से थोड़ी ज्यादा काम एंड कोजी है। ऑल्दो ज़ाडर छोटा सा है, बट यहाँ की स्ट्रीट्स में भी हैं हिडन जेम्स जो आप लेजरली पेस पर एंजॉय कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी विद डुब्रोवनिक, यहाँ पर भी आपको गलियों में बहुत सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। एंड एज विद अदर पार्ट्स ऑफ क्रोएशिया, ज़ाडर में भी हैं बहुत सारे मेडिटेरेनियन एंड इटालियन रेस्टोरेंट्स। सो ज़ाडर में खाने के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि एट टाइम्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना कि वेयर टू हैव लंच। लकीली हमें दिख गया ये क्वेंट सा मेडिटेरेनियन कैफे जिसे बनाया हमने अपने आज के लंच का स्टॉप ओवर। This is pizza margarita. Let's spice up the pizza a little bit. जो व्हाइट स्ट्रीट मैंने बताई थी उसी के एंड पर है ये फेमस फाइव वेल स्क्वायर। बाय नाउ आपने शायद गेस कर लिया होगा कि इस स्क्वायर का नाम फाइव वेल स्क्वायर क्यों है। वेल बिकॉज यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 एंड फाइव वेल्स। एंड राइट नेक्स्ट टू दीज वेल्स है ये स्टोन गेट जो 16th सेंचुरी में ज़ाडर सिटी का मेन एंट्रेंस गेट होता था, बिकॉज उस टाइम में ये एक फोर्ट सिटी थी। इन ज़ाडर वी रेकमेंड कि आप इसके वाटर फ्रंट को जरूर एंजॉय कीजिए। हमें मिले इसके वाटर फ्रंट पे काफी फ्रेंडली लोग जो एक्साइटेड थे हमसे अपनी फिशिंग की स्टोरी शेयर करने में। वेरी फ्रेंडली आई मस्ट से। हम जिस समय यहाँ गए थे यहाँ पर एक बर्गर फेस्टिवल चल रहा था। इट वॉज लाइवली एंड वाइब्रेंट एंड हैड गुड फूड। आइडियली वो सब कुछ जो आप ऐसी एक जगह से एक्सपेक्ट करते हैं। सो जस्ट लाइक एनी अदर क्रोएशियन पोर्ट टाउन, ज़ाडर से भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं फॉर एक्सकर्जन टू नियर बाय आइलैंड्स। ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसको कॉर्नाटी नेशनल पार्क बोलते हैं वहाँ पर हम कल जाने वाले हैं। सो आज की इवनिंग मैं स्पेंड करूँगा यहाँ के पियर पे एंड मिलूंगा आपसे कल जब मैं आपको लेके चलूँगा अपने साथ कॉर्नाटी नेशनल पार्क एंड शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ। But the best part of this waterfront is actually water ke pass, iske banks pe, jahan baith kar aap one of the world's most beautiful sunset enjoy kar sakte hain. And we did just that. By the way, this sunset is called the most beautiful sunset by Alfred Hitchcock. And सूरज ढलते ही इस प्रोमेनाड के कॉर्नर पे जो ये सैल्यूटेशंस टू द सन है वो जगमगा जाता है। इसकी ब्राइट डिस्को टाइप मल्टी कलर लाइट्स काफी कंट्रास्टिंग है टू द काम सनसेट जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया। गुड मॉर्निंग। सो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी फेरी की तरफ फॉर अ होल डे टूर टू द कॉर्नाटी आइलैंड्स। कॉर्नाटी आइलैंड्स का टूर हमने बुक किया ओवर द काउंटर वाटर फ्रंट पे। ये टूर था 55 यूरोस पर पर्सन का जो शुरू हुआ 8:30 AM पर। एंड इस टूर में भी लाइक आर एलिफेंटी आइलैंड टूर फ्रॉम डुब्रोवनिक फूड इंक्लूडेड था। मौसम एकदम साफ था एंड वी वर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट।
पहले आइलैंड पहुंचने का ट्रैवल टाइम लगभग 2.5 घंटे का था, बट ये टाइम सी के डीप ब्लू कलर्स और पास से गुजर रहे आइलैंड्स को एडमायर करने में कहां निकल गया पता ही नहीं चला। कोर्नाटी नेशनल पार्क स्प्रेड है कुछ 220 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, एंड ये पार्क है अ कलेक्शन ऑफ 89 छोटे बड़े आइलैंड्स का। एंड इन्हीं आइलैंड्स में से ये आइलैंड था हमारा पहला स्टॉप, फेमस फॉर इट्स ब्लू लगून बीचेस। सो फेरी ने हमें ड्रॉप किया यहाँ, एंड यहाँ से एक नैरो वॉकवे जाता है ऑल द वे टू द ब्यूटिफुल बीच। ऑन दिस ब्राइट सनी डे पानी का रंग और भी सुंदर लग रहा था, लाइक ऑल शेड्स ऑफ ब्लू। एंड हमारा स्टॉप था यहाँ पे 1.5 घंटे का, विच वॉज अ गुड इनफ टाइम टू टेक अ नाइस स्विम। आफ्टर द स्विम हम पहुंचे नेक्स्ट आइलैंड पर, जो कि है फेमस फॉर सम ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द एड्रियाटिक सी अलोंग द क्लिफ्स। एंड फॉर दिस आपको थोड़ा सा हाइक करना पड़ता है, एंड इट वॉज टोटली वर्थ इट। बीइंग हियर मेक्स यू रियलाइज कि कोर्नाटी नेशनल पार्क क्यों फेमस है। और इसी आइलैंड पे जस्ट अलोंग द क्लिफ है ये सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक बिकॉज इसके पानी में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एंड इसमें स्विम करने से आपके बॉडी की पूरी थकान निकल जाती है, तो ये करना तो बनता ही था। इस रिफ्रेशिंग स्विम के बाद विद वन लास्ट व्यू ऑफ दीज ब्यूटिफुल क्लिफ्स हमने बढ़ना शुरू किया वापस अपनी फेरी के तरफ। शाम का समय नज़दीक था एंड ज़ारर अभी भी 2.5 घंटे दूर था। सो कोर्नाटी आइलैंड्स इन अ टोटल 89 आइलैंड्स हैं। हम लोगों ने इनमें से चूज किए ये दो आइलैंड्स एंड वी थॉरली एंजॉयड इट। होपफुली आपको हमारा ये ज़डार एंड ज़डार के नेबरिंग आइलैंड्स का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी वेरी सून।